ये मीरा रोड जो है, मीरा रोड की जो आज जो डेवलपमेंट है, नगर विकास हुआ है, आज हम लोग देखते हैं कम से कम पॉपुलेशन मीरा भाईंदर की 15 लाख के ऊपर हो गई है। लेकिन पहले क्या था, 40 साल के पहले यहाँ एक भी बिल्डिंग नहीं थी मीरा रोड में, और भाईंदर में छोटा सा गांव था। तो जब भी 40 साल के पहले यहाँ लोग आने लगे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मुंबई नगर का तो विकास इतना हो गया था कि जगह थी लेकिन बहुत महंगे थे, और ये मुंबई में जो लोग रेलवे में काम करते थे, म्यूनिसिपैलिटी में काम करते थे, सरकारी नौकरी में काम करते थे और कोई प्राइवेट में काम करते थे, रिटायर होने के बाद उनको रहने के लिए उनको जो क्वार्टर्स था वो क्वार्टर्स खाली पड़ना पड़ता था और उनको दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती थी। तभी मुंबई में तो बहुत भाव थे, तो जब भी ये मीरा की जरूरत लोगों को पड़ रही कि यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, और ऐसे ही पहले मीरा रोड का डेवलपमेंट चालू हो गया है, मिस्टर नजर हुसैन जो अब आज के यहाँ के लीडर है मीरा रोड के, खास मुजफ्फर हुसैन के पिताजी, तो उन्होंने यहाँ जमीन ली और रेलवे के पास गए, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ रुकती नहीं थी, लोकल गाड़ियाँ, यहाँ लोकल गाड़ियाँ स्टेशन था, लेकिन वो स्टेशन में बाजू में शेड था मालगाड़ी का, और मालगाड़ी के शेड के लिए एक यहाँ स्टेशन में एक लाइन रखी थी। तो नजर हुसैन साहब रेलवे के पास गए और उन्होंने कहा कि वहाँ गाड़ी रुकेगी, मीरा रोड स्टेशन पे गाड़ी लोकल रुकेगी तो ही यहाँ का विकास हो सकता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि इधर ये बनाइए बनाइए, तो रेलवे ने उनको कंडीशन डाली। रेलवे ने कंडीशन क्या डाली कि आप महीने में 100 पास जाएंगे ऐसे हमको गारंटी दीजिए यहाँ से चर्चगेट ने तो बोरी तक। तो उन्होंने यहाँ के लोकल जो आगरी लोग जो पिंकरपाड़ा में और काशीमीरा गांव में जो रहते थे उनको बुलाया और उनको कहा कि यहाँ अगर आपकी जमीन भी बहुत है, यहाँ डेवलपमेंट चालू हो जाएगा तो आपका भी फायदा इसमें बहुत है, लेकिन ऐसे ऐसी रेलवे की कंडीशन है गाड़ी रोकने के लिए यहाँ स्टेशन पे। तो मीरा उन्होंने वो लोगों को ऑफर दी आगरी लोगों को कि मैं आपका रेलवे का पास निकाल के आपको दूंगा, आप चर्चगेट जाइए सुबह और वापिस आइए। तो ऐसे 100 पास उन्होंने अपने खर्चे से निकाले और लोग जाने लगे, फिर यहाँ मीरा रोड स्टेशन पे गाड़ी रुकने लगी। और फिर इन्होंने जो ग्राम पंचायत थी मीरा भाईंदर की, तभी आपको शायद मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन आज दिखती है, लेकिन मीरा भाईंदर ग्राम पंचायत 1985 तक ग्राम पंचायत थी और 1985 में ये नगर पालिका बन गई और 2002 में कॉरपोरेशन बन गई। ऐसा विकास मुझे लगता है महाराष्ट्र में भारत में किसी गांव का हुआ नहीं है। 35 साल में ग्राम पंचायत से डायरेक्ट कॉरपोरेशन। तो इन्होंने फिर बिल्डिंग बनवाई वहाँ और बहुत गरीब लोगों को सस्ते में जगह दी, और स्टेशन के पास जो आज देखते हैं वो नया नगर और शांति नगर बाकी बात है, नया नगर और अस्मिता नगर, ये दोनों उन्होंने बनाए हुए संकल्प है। इसके बाद इन्होंने यहाँ के, क्योंकि मेरा मुजफ्फर साहब जो है वो यहाँ के भूमिपुत्र है, यहाँ जन्मे हुए, उनके पिताजी है अमरावती के और उनकी माँ जो है वो माँ चिपलूट की कोंकण की, और उनकी मदर टंग मराठी है, उर्दू नहीं, ये घर में भी मराठी बोलते हैं, मैंने देखा हुआ है, पिताजी मराठी अच्छी तरह से बात करते हैं।